नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है वो डॉक्टर जैक नायक साहब का एक जवाब है जो कि उन्होंने सलमान खान को दिया है। इस वीडियो को जो थंबनेल है उसमें लिखा गया है कि मेरा बाप मुस्लिम, माँ हिंदू और मैं इंसान हूँ, इंसानियत धर्म मानता हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि जो सलमान खान हैं उनके फादर साहब जो हैं वो मुस्लिम हैं, जो मदर हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, और वो खुद बोलते हैं कि मैं एक इंसान हूँ तो मैं सिर्फ इंसानियत को मानता हूँ और किसी धर्म को नहीं मानता हूँ। तो सलमान खान को डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने उनकी इस बात पे क्या जवाब दिया है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माई मदर्स हिंदू, माई फादर मुस्लिम। ओके, मैं अपने आप को इंसान बुलाता हूँ, ह्यूमन बींग। माई मदर्स हिंदू, माई फादर मुस्लिम। ओके, मैं अपने आप को इंसान बुलाता हूँ। मेरे पेरेंट्स हिंदू थे पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ, मैं अपने इंसानियत मानता हूँ, इंसान मानता हूँ। बाई चांस मैं जमा हूँ हिंदू जगह घर, और आप जब हैं इस्लाम के घर, उनसे जब हैं उनके घर, और सबसे ज़्यादा है इंसानियत। और अभी तक मज़हब ने, कोई भी मज़हब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया। आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूँ, बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। पर जो किताबों के आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं, हजारों साल बाद लिखी हैं, पहले खेल जुबान की बात हो रही थी, कोई राम 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 कह के उसके कहावत है मर 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 कहने लगा, उसको वेदा ऐसी थी, ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी, एब्राहम से लेके मोसेस तक और आपके मोहम्मद साहब, आपका मोहम्मद साहब का जो किताब लिखेगी कुरान 50 साल बाद लिखी गई, 40-50 कोई भी हो। पर मुझे माफ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये उठना चाहता हूँ, सब इंसान है, इंसान को एक करके सब मजहब 21st सेंचुरी में इंसानियत मजहब क्यों नहीं बनाते? जो आप ठहरा, मैंने अभी खत्म नहीं किया, मैंने अपने खत्म नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप अपना पर्सनल मजहब है रखिए, अपने घर में रखिए, पर स्टेट में और दूसरों के ऊपर ना आइए, वार ना करिए, लड़ाई ना करिए। एक बात चाहता हूँ, ऐसी हजारों चीज़ें मैं दूसरे मज़े में निकाल सकता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खलीफा 40 साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए, और अली साहब जो थे वो ग्रैंड सर हमारे, ये चीज़ों के हवाला दूसरों में भी है, मैं हजारों दे सकता हूँ, पर इसका सवाल मैं आपसे कह रहा हूँ। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, लंबा था, तकरीर थी छोटी। भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू नहीं है, इंसान है, क्यों ना हम एक मज़हब इंसानियत बनाते हैं। उनका जो कहना है वो इंसान है भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान होना ज़रूरी है, इंसान होना ज़रूरी है, हर मुसलमान पहले इंसान होना ज़रूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में इंसानियत के खिलाफ नहीं है, एक भी बातें मैं चैलेंज करता हूँ, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है, मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए
दसवीं पास करना ज़रूरी है, फिर बारहवीं, फिर डॉक्टर। तो मैं कहूँगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना ज़रूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफ़ी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफ़ी नहीं है। समझा? क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना ज़रूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। आप कहते हैं कि मज़हब, जितने मज़हब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मज़हब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है। आपने कहा कि मैंने 10-12 साल के, आपने 30 साल के। अगर आप 30 साल की है उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं। मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूँ, मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि आप 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मज़हब पे भी चंद साल के, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूँ माशाल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आपने कहा कि मज़हब भेदभाव करता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मज़हब भेदभाव नहीं करता, जो मज़हब के मानने वाले हैं वो मज़हब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते, वो अलग बात है। गलती है मज़हब के मानने वाले की, मज़हब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मज़हब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज़ कार है, मर्सिडीज़ कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज़ कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज़ कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं, और मर्सिडीज़ कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज़ गाड़ी की कि ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज़ का कितनी अच्छी है तो आपको ये देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है। उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज़ कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मज़हब किताब बाद में लिखी गई, पहला कहना था, आप काफ़ी हद तक के सही है, आप काफ़ी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन ये कहना कि सारी मज़हब की किताब उसमें गलती है। अक्सर मज़हब कितने किताब है, वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टमेंट हो, न्यू टेस्टमेंट हो, आपने कहा मूसा अलैहि सलाम से लेके, वाह सही था, लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ गलती की, आखिर में आके आप अटक गए, आखिर में आके आप फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुताला सही तरीके से नहीं किया होगा, आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होगी। अगर आप कोई मज़हब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मज़हब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। आप अगर अरुण शुरू की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के मुताला करा कहेंगे, ये किधर का सही फैसला है? मैं कहता हूँ अरुण शुरू जैसे लोग की पढ़ी होगी, क्योंकि जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे, और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे, और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी, और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, आयत नाजिल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा से कहा, सहाबा ने लिखा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक,
पढ़ के सुनाओ। पढ़ा, हाँ सही। अगर गलती होती तुम्हारी टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुबहाना व ताला आयत नाजिल करते थे, वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। आप जो कह रहे वो हज़रत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हज़रत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे हैं 40-50 यहाँ से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था, उनने अपनी बीवी को दिया, हज़रत हफ्सा को, और जो हज़रत उमर की बेटी थी उनके पास महफूज था, उनने लिया, और 5-6 साहबा जो जैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की, और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कोप्टा की म्यूज़ियम में, कोप्टा की म्यूज़ियम इस्तानबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। उनने खुद उसको चेक की क्या सही था, और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मजहब की किताब में अक्सर आप सही है, मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर्स बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। कितनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं। वो आपके हिसाब से, स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1,310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1,310। आप अभी आप थोड़े ठेकेदार है मजहब के, आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना। हाँ इसलिए भाई साहब ना बिल्कुल सही, भाई साहब भाई साहब, इसीलिए इख्तिलाफ जो है ये कम इल्मी के वजह से। वेद का क्या नहीं, भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही। जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी गाड़ी है 50 साल पुरानी, उसका मतलब नहीं कि नई गाड़ी से अच्छी है। ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है। मेरे पास मर्सिडीज कार है 5 साल पुरानी, जो नई मारुति से अच्छी होंगी। तो ये कहना कि कोई किताब या कोई मज़हब पुराना इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। जो आदमी को अकल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज़ बेहतर, नई चीज़ बेहतर। वो चीज़ बेहतर है जो हक के ऊपर है, जो चीज़ हक के ऊपर है वो चीज़ बेहतर है। तो भाई साहब आपकी जो तहकीक है मजहबी किताबों पे ज़रा ज़रा कमज़ोर है, गलत है। आपको फिर से और 30 साल लगाने पड़ेगा इंशाल्लाह। यस सिस्टर। तो इंसान के लिए सिर्फ इंसान होना बहुत ज़रूरी नहीं है, उसके लिए एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, और एक मुसलमान बनने के लिए भी आपको एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। कई बार होता है ना, हम किसी ऐसे शख्स को देख ले जो मुस्लिम तो है लेकिन उसका कुछ लाइफस्टाइल ऐसा है या उसकी पर्सनालिटी ऐसी है जिसको देख के हम बोलते हैं कि क्या ऐसे होते हैं मुस्लिम। तो उस पर्टिकुलर पर्सन को देख के ना, उस पर्टिकुलर शख्स को देख कर हम लोगों को अपना माइंड मेकअप नहीं करना चाहिए कि पूरी जो कम्युनिटी है वो ही ऐसी होती होगी, नहीं, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग होता है दूसरे से। जैसे डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने भी मेंशन किया है कि अगर हमें वाकई ही इस्लाम के बारे में जानना है तो हमें प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानना होगा, उनको जानना होगा, क्योंकि बाकी लोग तो आधी अधूरी चीज़ें सुनते हैं, उन्हें खुद ही नहीं अपने मजहब के बारे में पता होता तो वो क्या ही अच्छे से फॉलो करेंगे और क्या ही दूसरों को अच्छे से अपने मजहब के बारे में बताएंगे।
लेकिन एक थोरो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है अगर आप वाकई किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। बीच बीच में वो जो दूसरे बंदा था वो भी कुछ कह रहे थे, लेकिन उनके पास में माइक नहीं था। पता नहीं ये कैसा हुआ कि उनके पास माइक वगैरह नहीं था। अदरवाइज़ नॉर्मली मैंने जितनी भी इनके सेशंस देखे हैं, हमेशा जो सामने वाला बंदा क्वेश्चन पूछता है उनके पास में माइक रहते हैं, ताकि इन बिटवीन भी अगर उन्हें कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। वो थोड़े से अग्रेसिव भी लग रहे थे, मतलब पता नहीं क्या हुआ था एग्जैक्टली, तो क्योंकि उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी तो, बट वो लग रहे थे कि वो बहुत गुस्सा था, मतलब उनको किसी बात पर तो उन्हें गुस्सा आ गया था। तो उसके ऊपर नो कमेंट, क्योंकि कुछ सुनाई नहीं दिया कि उन्होंने क्या बोला था। बट ये ज़रूर है कि इंसान को एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ अपने उस रब को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसको हमेशा याद करना चाहिए। जैसे हम लोग खुद भी बोलते हैं, कोई भी रिलीजन हो मुझे लगता है सब लोग ही बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि पूजा पाठ करके जाओ, कहीं पर भी जाना है, किसी अच्छे काम के लिए जाना है, एटलीस्ट कभी ना कभी फास्ट कर लो। कोई जो ऐसे स्पिरिचुअल डेज आते हैं बीच बीच में, फास्ट कर लो उस भगवान के नाम का। और मतलब डेली प्रे तो करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने उस रब के आगे सजदा नहीं करेंगे, उनको अपनी दिल का हाल नहीं बताएंगे, ऑल्दो कि जो हमारे परमात्मा है, हमारे रब हैं, उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को मन की शांति देने के लिए और अपना दिल हल्का करने के लिए हमें उस अपने परमात्मा के सामने एक बार सजदा जरूर करना चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी हमें दिया है सब कुछ के लिए हम लोगों को उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। जैसा कि खाना खाते टाइम भी बोलते हैं कि पहले आपको मतलब अपने उस रब का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने आपको खाना दिया। और बट आजकल लोग जब भी कुछ खाने के लिए कुछ सर्व होता है तो सबसे पहले उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके सोशल मीडिया पे अपडेट कर देते हैं। भगवान जी को तो भूल ही जाते हैं कि हम उनको भी शुक्रिया कर दें। तो कभी भूलना नहीं चाहिए, एक अच्छा इंसान बनो, अपने रब को कभी मत भूलो, और जितना हो सके उतनी अच्छाइयाँ करनी चाहिए हमें। और आज के इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। बाय बाय।